Hello students, I hope you are all very well. In previous video, we did two law, triangle of vector addition and parallelogram law for vector addition. In that case, we had only two vectors. If we have more than two vectors, then we use polygon law. What is polygon law? Polygon law, if we have more than two vectors, which have magnitude and direction, are taken in same order and resultant of these vector will be opposite side and closing side of polygon. देखो की है ना मतलब अपन नु जे दो तो ज्यादा वेक्टर गिवन है ठीक है उना दी डायरेक्शन भी गिवन हो ते मैग्नीट्यूड भी अपन उना नु जदो ऐड करना सेम ऑर्डर दे विच ऐड करना ते जेड़ा इना दा रिजल्टेंट होगा वो की होगा वो हमेशा ऑपोजिट साइड होगी ते पॉलीगन दी क्लोजिंग साइड होगी किस तरह देखो आपां इहदे लई रिलेशन भी प्रूव करांगे ठीक है देखो किदां सपोज कर लो अपने कोल आ वेक्टर गिवन आ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ए वेक्टर गिवन आपां नूं मोर देन टू वेक्टर हो गए आपां इन्हां दी एडिशन करनी है सेम ऑर्डर मैं तुहानूं दस्सिया सी किस तरह सेम ऑर्डर च ऐड करदे आपां हेड टेल मैच होनी चाहीदी है इन्हां दी हुण देखो इन्हां दी डायरेक्शन एज इट इज रखनी आपां ठीक है किदां ऐड करांगे देखो ए वेक्टर एज इट इज देखो डायरेक्शन यही है ना बी नूं आपां डिस्प्लेस करांगे ताकि इहदी जिहड़ी टेल है इहदे हेड नाल कोइनसाइड हो जाए किदां देखो डायरेक्शन सेम रहूगी इहदी बी वेक्टर उस तो बाद सी अपवर्ड है दी डायरेक्शन सी वेक्टर ते लास्ट दे विच डी वेक्टर अपने कोल ओदी डायरेक्शन भी एज इट इज रहूगी ए की होगी सेम ऑर्डर च होगी ना सारे फिर आपां की किया सी जेड़ा इहनां दा रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर से होगा इसकी क्लोजिंग साइड मतलब जो इस पॉलीगन को क्लोज करोगी इस तरह ठीक है आर रिजल्टेंट हो गया ऑपोजिट ऑर्डर हो गया ते पॉलीगन दी क्लोजिंग साइड होगी ये तो सी इसकी डेफिनेशन हुण आपां प्रूफ करना कि वाला जेड़ा रिजल्टेंट है वो इन्हां सारयां दे सामने इक्वल होंदा क्योंकि जदों आपां ट्रायंगल दा पैरेललोग्राम कीता सी उस वेले आर इक्वल टू दो वैक्टर सी ए प्लस बी लिखा सी आपां ਹੁਣ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਆ a + b + c + d ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ a ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ o p q s t ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਸੀਗੇ ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਚ a ਸੀਗਾ b ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ a + b ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਸਟ ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ O Q apply triangle law of vector addition on triangle ਕਿਹੜੀ triangle ਆ ਦੇਖੋ O P Q ਕੀ ਸੀਗਾ triangle ਆ O Q resultant equal ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਦੋ vector ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ equal O P plus P Q ओ क्यू दी वैल्यू अपने कोल जो आ जाऊगी ए प्लस बी इहदा मतलब आपां इस वैक्टर नूं की नेम दे सकते हैं ए प्लस बी वैक्टर ठीक है मतलब इन्हां दोवां दा रिजल्टेंट की आ गया ए प्लस बी आ वाला हुण इन्हां दोवां दे कोल आ वैक्टर हुण आपां किहड़ा वैक्टर कंसीडर करांगे देखो ओ क्यू ते क्यू एस वैक्टर इन्हां दोवां दा रिजल्टेंट फाइंड कर लांगे इस तरह ਇਹ ਵੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਊਗਾ ਓ ਕਿਊ ਤੇ ਓ ਕਿਊ ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਫੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਓ ਕਿਊ ਐਸ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਦੇਖੋ वैल्यू कि आजूगी आखो आ सारा कि प्लस बी क्यू एस कि हो गया अपने को सी वैक्टर ठीक है इहदा मतलब ओ एस की वैल्यू कितनी है अपने को ए प्लस बी प्लस सी इन्हां सारे दे इक्वल अपने को ओ एस रिजल्टेंट आ गया इन्हां सारे दा ए रिजल्टेंट आ जिहड़ा उस तो बाद लास्ट से दो वैक्टर बचे अपने को ओ एस आ वाला ते एक जिहड़ा वा ओ किहड़ा वा टी एस इसे तरह फिर आपां अपलाई ट्रैंगल आ ऑन ट्रैंगल ओ एस टी यही आपको प्रूफ करना सीगा इसको आप कह दें पॉलीगन ऑफ वैक्टर एडिशन ठीक है समझ लग गई उस तो बाद अपने को आ जाता वा प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर एडिशन देखो की है फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को कि जो वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव का मतलब की होंदा वा सपोज कर लो अपने को दो वैक्टर एडिशन करने लगे a प्लस b क्या a एडिशन हमेशा इक्वल होगी b प्लस a दे ठीक है चाहे आपको पहला a b नो ऐड कर दिए या पहला b प्लस a कर दिए जो अपने को रिजल्टेंट आ वैल्यू हमेशा की रहूगी सेम ही रहूगी उसनों आप कम्यूटेटिव कह दें सैकेंड अपने को वैक्टर एडिशन इज एसोसीएटिव का मीनिंग की होंगे अपने को थ्री वैक्टर की एडिशन करने लगे हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और देखो एसोसिएटिव का मीनिंग की होंगे पहला इन दोनों का सम करके जो इन्हों का रिजल्टेंट आऊगा वो आप थर्ड वैक्टर एड कर देंगे या आप इस तरह भी कर सकते हैं बी प्लस सी को पहला एड करके जो इन्हों का रिजल्टेंट आऊगा वो ए वैक्टर एड कर देंगे ता भी अपने को जो रिजल्टेंट आ लास्ट रिजल्ट जो सेम ही रहेगा इसको आप कह देते हैं वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव ते लास्ट थर्ड अपने को वैक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इहदे विच आपां कोई रियल नंबर आ या कोई क्वांटिटी आ उहनू जदों इन्नी एडिशन नू मल्टीप्लाई करांगे ए प्लस बी इस तरह सपोज कर लो अपने को कोई क्वांटिटी आ या कोई नंबर आ उस नू आपां मल्टीप्लाई करता ठीक है उहदा रिजल्टेंट आ जिहड़ा आपां इस तरह भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लैमडा ए प्लस लैमडा बी तां वी जिहड़ा रिजल्ट अपने कोल उह सेम ही रहूगा क्योंकि एडिशन करके जदों इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां वी उही चीज बनूगी या कल्ले कल्ले नाल मल्टीप्लाई करके एडिशन करांगे तां वी सेम चीज बनू इस नूं आपां कह दिंदे हां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ a b ठीक है
सेम ऑर्डर च ले लिया अपना जो एडिशन की रिजल्टेंट अपने को बनिया बट जे आप सबट्रैक्शन की गल करते हैं सपोज कर लो आप बी वैक्टर ए सबट्रैक्ट करना इस तरह रिजल्टेंट इक्वल टू ए माइनस बी इस किस तरह राइट कर सकते हैं प्लस माइनस बी हम माइनस का मीनिंग पहला भी दसा होगा कि इसकी जी डायरेक्शन होजूगी ऑपोजिट हो जाएगी आप इसे देखो डायग्राम को सोल्व करते हैं यदि डायग्राम किस तरह बनूगा सबट्रैक्शन वाली दी ए पॉजिटिव ना तो डायरेक्शन चेंज हो ना मैगनीट्यूड ठीक है बी भी देखो मैगनीट्यूड सेम रहू बट जी डायरेक्शन होगी पहला के नो उल्ट होगी आई ना पहला हम यदि जी डायरेक्शन आई ऑपोजिट होगी ऑर्डर सेम ही रखना अपना हैड टे माइनस बी जो रिजल्टेंट की होगा इन्हों दो हमेशा की होगा इन्हों ऑपोजिट साइड मतलब हैड हैड से टेल टेल मैच करेंगे इस तरह ए रिजल्टेंट बन गया आर ए माइनस बी ठीक है ये इन्हों की डायग्राम बन गई एडिशन वे देखो सबट्रैक्शन वे डायरेक्शन चेंज होगी रिजल्टेंट की वैल्यू जी आई आ जाएगी ठीक है उस तो बाद एक आप होल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं देखो और तो थोड़ा होर क्लीयर हो जाएगा कि सपोज कर लो अपने को दो डायरेक्शन वैसट ईस्ट नॉर्थ साउथ सपोज कर लो कोई कार साउथ के वाल मूव करती पी है ठीक है टूवर्ड साउथ ठीक है साउथ डाउनवर्ड है ना देखो नीचे ड्रॉ किया हो साउथ के वाल मूव करती है उसकी वेलोसिटी आप मान लें वी वन उस तो बाद उस कार ने डायरेक्शन चेंज कर ली वो वेस्ट के वाल मूव करना स्टार्ट कर गई पहला साउथ वाल मूव करती सी फिर टर्न होकर कि मूव कर लग गई वेस्ट के वाल उसकी जी हम वेलोसिटी जो वेस्ट वाल मूव की कि होगी वी टू सपोज कर ली आप फाइंड करना वा कि उस चेंज कि ठीक है आप डायग्राम भी बनाई वैक्टर की फॉर्म से फाइंड करना चेंज इन वेलोसिटी देखो सर आपको क्लीयर ही है चेंज इन वेलोसिटी किवें कैलकुलेट करते हैं आप फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल वी टू है इनिशियल कि वी वन आप डेल्टा वी डिनोट करा चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन वी टू प्लस इस किस तरह राइड कर सकते हैं वी वन ठीक है आ बन गया अपने को उस तो बाद देखो की बनूगा अपने को डेल्टा हमने भी डायग्राम आप पहला ना माइनस ना मतलब डायरेक्शन की होगी ऑपोजिट देखो जी तुम इतने ऑपोजिट करते हैं इन इस एरो उपर लिखते हैं ठीक है डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी पर ऑर्डर चेंज हो गया देखो ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए हम की बन जूगा देखो जो इस तरह ड्रॉ करोगे टेल टेल हो गया वो ऑपोजिट हो गया ऑर्डर बट आप करना वा सेम ही रखना ऑर्डर सेम रखने के लिए आप करा वैक्टर आप कितने ड्रॉ करोगे देखो वी टू इस वैक्टर आप उपर ड्रॉ कर लेंगे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इस लिख सकते हैं माइनस वी वन तो रिजल्टेंट की होगा ऑपोजिट साइड आ वाला डेल्टा वी ठीक है ये की आ गई अपने को चेंज इन वेलोसिटी तो ये की होगी अपने को डायग्राम ठीक है मैगनीट्यूड फाइंड कर सकते हैं तुम चेंज इन वेलोसिटी का मैच जो भी थोड़ा मैगनीट्यूड फाइंड करना होगा देखो किवें करते हैं अपना डेल्टा वी आ मैगनीट्यूड का सिंबल की करना वा जी भी अपने को क्वानिटी गिवन है उन्हें सारे का स्केयर वी टू का स्केयर प्लस सैकेंड की है माइनस वी टू का स्केयर चाहे मॉड कर सकते हैं तुम यह मॉडलस करोगे किसी भी नैगेटिव क्वानिटी का मॉड करते हो की हो जाती पॉजिटिव वी वन का स्केयर ठीक है मॉड करता सारे का अंडरवुड यह मैगनीट्यूड कैलकुलेट करने का मैथड है कि जो भी आपको गिवन आ उन्हें दोवों के मॉडलस का स्केयर ठीक है प्लस का साइन एज इट ही रहेगा सारे का अंडरवुड आ जाएगा यह आ गया इसका मैगनीट्यूड ठीक है एक एग्जाम्पल से आप सबट्रैक्शन किवें करते हैं वैक्टर्स की तो उन्होंने डायग्राम किस तरह प्लॉट करते हैं तो जे थोड़ा कोई डाउट आ वो तुसी नीचे डिस्क्रिप कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन पूछ सकते अपने थैंक्स।